दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पे मार्केटिंग के जॉब के बारे में। क्या ऐसे रीजन्स है जिस वजह से मार्केटिंग का जॉब लोगों को बहुत पसंद होता है? अगर मार्केटिंग का जॉब किसी स्टूडेंट को मिलता है तो बोलता है कि यार बहुत पैसे कमाने का चांस है, तो एग्जैक्टली मार्केटिंग जॉब में आपको पैसे क्यों ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पर मार्केटिंग जॉब लोगों को क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अब देखो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको जॉब करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। आप क्यूए में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, आरएनडी में जा सकते हो, और आप आईटी कंपनीज में भी जा सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं करना है तो आप खुद का बिजनेस डाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे कि जो मार्केटिंग वाले जॉब के लिए बहुत पसंद करते हैं, मार्केटिंग का जॉब बहुत पसंद करते हैं। अब देखो, मार्केटिंग जॉब क्यों पसंद करते हैं, इसके बहुत सारे रीजन्स है, लेकिन फॉरमोस्ट और सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों यहाँ पे पैसा। पैसा सबको प्यारा है, मुझे प्यारा है, आप सब लोग को पैसा प्यारा है। हम सब लोग यहाँ पे इस दुनिया में काम करते हैं, जीते तो पैसे के लिए जीते हैं। हम सारा एजुकेशन लेते हैं तो एट द एंड हमारा मकसद भी वही होता है कि पैसे कमाना है। अब देखो, मार्केटिंग जॉब में आपको बाकी फील्ड की कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं, इसका भी बहुत सारे रीजन्स है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको कौन सी कंपनी की, सपोज़ मान लीजिए आपने खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन की है और आपने खुद का प्रोडक्ट बनाया, अगर आपको खुद का प्रोडक्ट बनाया है तो आपको उसकी सेल भी करना है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर उसे अच्छे तरीके से मार्केट नहीं किया जाएगा तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। और यहीं पे यहाँ पे मार्केटिंग वाले लोगों की जॉब स्टार्ट हो जाती है। जितने भी सारे लोग मार्केटिंग जॉब में होते हैं, यहाँ पर उनकी जॉब स्पेशली इसलिए होती है कि कंपनी के सेल्स जो होते हैं उसको बढ़ाना है। अब देखो, कंपनी के सेल्स कैसे बढ़ते हैं, अब देखो कंपनी के पास अगर अच्छे लोग हैं जो उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से मार्केटिंग करेंगे तभी पॉसिबल वो उसका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होगा। यानी चाहे आप कंपनी के कितने भी अच्छे एम्प्लॉयज़ हो, उन्होंने कितने भी अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उसका अगर मार्केटिंग अच्छी तरीके से नहीं किया गया या फिर उसको मार्केटिंग करने में कुछ भी यहाँ पे फॉल्ट हुआ है तो एट द एंड उसका बिजनेस मॉडल फॉल्टी हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो उसका बिजनेस कुछ भी नहीं चलेगा। और यही बात होती है कि इस वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत मायने रखता है। हालांकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे लोग इंडिया जैसे कंट्री में लोग मानते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ भी स्कोप नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जब आप स्टार्टिंग को जाते हो तो अब आपको कंपनी की तरफ से स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, उसके साथ आपको अलाउंसेस मिलते हैं, यानी आपको डे अलाउंस मिलता है, पेट्रोल अलाउंस मिलता है, और अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो आपको उसका भी अलाउंस मिलता है। अब देखो, अलाउंस क्या होता है, यहाँ पे कंपनी किलोमीटर के हिसाब से ये उसके एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर मंथ की पेमेंट करती है, प्लस अगर वो एम्प्लॉय सपोज़ मान लीजिए आप मुंबई में जॉब करते हो और अगर आपको दिल्ली को जाना पड़े तो दिल्ली को जाने का और दिल्ली से वापस आने का, दिल्ली में रहने का, दिल्ली में खाने का, वो सारा खर्चा कंपनी देती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अक्सर मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग होते हैं वो बिल्स अलग तरीके से लाते हैं, यानी जो बड़े बड़े होटल्स हैं जिनके बिल्स बहुत बड़े, ऐसे होटल्स के बिल्स लाते हैं और कंपनी की तरफ से पैसे लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी बहुत बुरी भी है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि वो लोग भी अपने पेट के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें करते हैं। अगर वो कंपनी के लिए दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो वो काम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ वो ट्राई करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाए। यही बात होती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा पैसे कमाने के चांस होते हैं, आपको पेट्रोल का अलाउंसेस मिलते हैं, और अगर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हो, तो आपको इंक्रीमेंट बहुत जल्दी मिलती है। इंक्रीमेंट जल्दी मिलने के साथ आपका प्रमोशन भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी टेरिटरी मैनेजर बन जाते हो उस फील्ड के, उस सिटी के। अब देखो, टेरिटरी मैनेजर क्या होता है, उसको जैसे नॉर्मली हमारे जो होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसको मेडिकल शॉप्स में जाना पड़ता है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, विजिट्स लेनी पड़ती है, लेकिन जो टेरिटरी मैनेजर होता है उसके अंडर बहुत सारी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी बाकी के लोग काम करते हैं, हमें सिर्फ मैनेज करना होता है, यानी कौन यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, किस इंसान के पास कौन सा काम है, यह सारी चीज़ें उस टेरिटरी मैनेजर को देखनी पड़ती है। और इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज करके बहुत अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो सकते हो। स्टार्टिंग के डेज में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे की जॉब यानी मार्केटिंग के जॉब में आपको थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आगे जाने के, बहुत सेटल डाउन होने के बहुत अच्छे चांसेस है। ये था आज का वीडियो, अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल के ऊपर, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई अच्छी सी कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।